यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए टैक्स लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। खाद की भी बात की जाती है, आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वे उसे पहले पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है, मैं कल से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी तारीफ की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में
मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है, कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वह जवाब दे तो इस बात को अपने जवाब में बताएं। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों में भूखों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह नतीजा है कि आज 48 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को ना देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए, यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी जरूरी है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की ज़रूरत है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी सोचने की ही बात है। मेरा अपना विचार है कि जितनी संस्थाएं इस समय देश में कार्य कर रही है, सरकार उनके साथ पूरा सहयोग करे, उनको सहायता दे ताकि वे अधिक उत्साह से कार्य कर सकें। इन संस्थाओं के द्वारा सामाजिक स्तर पर हम भी प्रचार